अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो टॉपिक हमने करना है नेफ्रोलॉजी मेडिसिन में, वो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको नाम से सुन के अक्सर बच्चे ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, उनके जहन में आता है कि शायद इसका मतलब किडनी ट्रांसप्लांट है, क्योंकि नाम से लग रहा है कि रीनल रिप्लेसमेंट हो रही है किसी तहद तक। लेकिन बेसिकली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसमें हर वो चीज है जो कि किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए, या फिर किडनी के फंक्शन को जो अपनी बंदे की नॉर्मल किडनी है जो फंक्शन लूज कर देती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में आता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का जो मेन मकसद होता है, जो भी हम इसमें चीज करेंगे, वो यही होता है कि हमारे पास किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, अपनी किडनी जो डैमेज होगी है उसको अब वो नहीं क्योंकि कर सकती, तो किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो मैक्सिमम हद तक मेंटेन रखा जाए। मतलब जिस भी तरह से हम एक्सक्रीट करें चीजों को, लेकिन ब्लड से सारे वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाए और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, जो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स, तो ये इसका मेन मकसद होता है। उसके लिए हम डिफरेंट तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं कि किडनी का फंक्शन रिप्लेस हो सके, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपने डायलिसिस का नाम सुना होगा और रीनल ट्रांसप्लांट इसमें सबसे आखिरी ऑप्शन आती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जब भी आपसे कोई बात पूछेगा तो आपने हमेशा ये चार पांच नाम जरूर याद रखने कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास एक तो डायलिसिस आ जाता है, डायलिसिस में हीमोडायलिसिस है एंड पेरिटोनियल डायलिसिस है। ठीक है, जो आपको पहले से पता है। देन वी हैव हीमोफिल्ट्रेशन, एक और प्रोसेस होता है, इससे भी हम कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, डायलिसिस और फिल्ट्रेशन को, तो हीमो डायफिल्ट्रेशन होता है। एंड इन द एंड वी हैव द ऑप्शन ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट। इनमें से आपके पास जो क्वेश्चन याद रखने वाली इसमें से जो चीज है ना, वो है इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। ये तो आपने किसी सूरत भी नहीं भूलनी, या आपके एससीक्यू एमसीक्यू हर जगह आपसे पूछी जाती है वाइवा में, ये पक्की वाली याद करनी है। और बाकी में से मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यूज में या वाइवा में क्या चीजें ज्यादा आ सकती है, क्योंकि बाकी का सिर्फ आपको एक नो हाउ और उसकी मेजर पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो याद होने चाहिए। तो कहानी कुछ हुआ है कि हम ये कहते हैं कि पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि वो पेशेंट जो कि आपको पता है कि डायलिसिस की जरूरत एक्यूट किडनी इंजरी में भी हो सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है, वो फिर पेशेंट ठीक हो जाता है और डायलिसिस की नीड खत्म हो जाती है। लेकिन जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं, वो शुरू में तो आप उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा डैमेज उनका ज्यादा हो चुका होता है, क्रिएटिनिन लेवल उनका बॉडी का ज्यादा हो रहा होता है और बहुत थोड़ा जीएफआर हो जाता है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि हम उनको डायलिसिस पे शिफ्ट कर दें। तो हर वो पेशेंट जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का है, जो टोटली डिपेंडेंट ऑन डायलिसिस है, अगर वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो उसका कोई कुछ और नहीं उसका फायदा हो सकता है, मतलब उसका और कोई हल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज का पेशेंट है। आप मेडिसिन के वार्ड में जाएंगे, मतलब अगर स्पेसिफिकली नेफ्रोलॉजी या यूरोलॉजी के वार्ड में जाएंगे, आप वहां देखेंगे बहुत सारे पेशेंट की फाइल पर लिखा होगा सीकेडी एंड ईएसआरडी, उसका मतलब होता है कि सीकेडी था इस पेशेंट को फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स और अब वो एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट है, यानी कि अब वो टोटली डिपेंडेंट ऑन डायलिसिस है। तो ये आपसे पूछते होते हैं कि अब हम पेशेंट को ईएसआरडी लेबल करते हैं, तो जब वो टोटली डिपेंडेंट ऑन डायलिसिस हो जाए। अच्छा, कई बार ये देखा गया, कहते हैं थ्योरी कहते हैं कि जो हमारे पास बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जो खासतौर पर एंड स्टेज रीनल डिजीज के, उनमें अगर हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करें, यानी हम उनको डायलिसिस भी दें, और डायलिसिस के लिए आपको पता है हॉस्पिटल में जाएंगे, इंटरवेंशन होगी, वो सब कुछ करेंगे, उससे भी उनको कोई खास फायदा नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट को अगर कंजर्वेटिव ही मैनेज कर लिया जाए, मतलब जो उनके सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा काबू में रखने की कोशिश की जाए, उनको सोशल साइकोलॉजिकल और जिस हद तक मेडिकल सपोर्ट है उतनी दी जाए, तो भी उनका लाइफ स्पैन ठीक उतना ही रहता है जितना उनका डायलिसिस के बाद रहता है। तो कहते ही हैं कि वो पेशेंट जो एंड स्टेज रीनल डिजीज के हैं और बहुत एल्डरली हैं, जिनका हमें पता है कि डायलिसिस भी करेंगे, इतनी एक्सपेंसेस भी लगेंगे, पेशेंट को भी मसला होगा, तो भी उनके लाइफ स्पैन में बेहतरी हम नहीं ला सकते, उनको कंजर्वेटिवली मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन ये बात है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं हीमोडायलिसिस पे। डायलिसिस आपको पता है कि इट इज अ टाइप ऑफ हीमोडायलिसिस, अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, के बाहर आपने समझे एक मशीन है जो आपने एक पेशेंट की आर्टिफिशियल किडनी है, क्योंकि अब उसकी अपनी किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो इसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट है वो आपका लेटा हुआ होता है, ठीक है, और उसमें आपने जिसका मेजर प्रिंसिपल होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, एक हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफ्यूजन हो रहा होता है वो इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपने सबको याद रखना है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे वो हीमो है चाहे पेरिटोनियल है, डायलिसिस की जो इंडिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिफ्रैक्टरी हाइपरकलीमिया, इसके साथ रिफ्रैक्टरी जरूर लिखना है वरना फायदा नहीं है, क्योंकि सिंपल हाइपरकलीमिया में कभी भी डायलिसिस नहीं कराते, पहले आप हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन एंड ग्लूकोज देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो अगर आप हरी हाइपरकलीमिया लिखेंगे या हाली हाइपरकलीमिया कहेंगे तो वो गलत होगा। तो यू मस्ट हैव टू से रिफ्रैक्टरी हाइपरकलीमिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल थेरेपी, या फिर सिंपली रिफ्रैक्टरी हाइपरकलीमिया, स्पेशली अगर 6.6 मिलीमोल्स पर लीटर से ज्यादा हो जाता है तो फिर आप करते ही करते हैं। देन रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, ये लिखनी है बातें साथ आपने, रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो कि नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा आपकी नॉर्मल बायकार्बोनेट थेरेपी को, आपने आईवी सोडियम बायकार्बोनेट दे दिया, आपने पेशेंट को फ्लूइड दे दिया, लेकिन वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, और 7.2 से पेशेंट का पीएच कम हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज भी साथ याद रखनी, लेस देन 7.2।
देन आपका फ्लूइड ओवरलोड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डायूरेसिस, आपने डायूरेटिक्स दे दिए लेकिन फ्लूइड ओवरलोड फिर भी बहुत ज्यादा है, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा बढ़ता जा रहा है, ब्रेथलेसनेस बढ़ती जा रही है, तो यू हैव टू गो विद डायलिसिस। ठीक है, तो ये भी आपका ऐसा होगा जो कि ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा। उसके बाद है आपको पेशेंट को यूरेमिक सिम्टम्स आते हैं, यूरेमिया मतलब जब भी बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है ना उसको, और पेशेंट को उसके सिम्टम्स आते हैं उसको हम यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, तो यूरिमिया जब सिम्टम्स आपको पेशेंट को आने लग गया कि उसके बॉडी में जाहिर है सारे वेस्ट हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, क्रिएटिनिन है और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये जब ब्लड में एक्यूमुलेट होते हैं तो जाहिर है आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट करते हैं, और ब्रेन में ये आपको एक एनकेफेलोपैथी की सीजर्स की स्टेट ले आते हैं, क्योंकि ब्रेन की अपनी न्यूट्रिशन कम है और उसको ये सारे वेस्ट का सामना ज्यादा हो रहा है। तो उसमें हम कहते हैं कि पेशेंट ड्राउजी होता है, उसको स्ट्रोक जैसे या फिर जैसे मेनिंजाइटिस जैसे फीचर्स आ रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उसको जैसे एनकेफलाइटिस के पेशेंट्स को आते हैं वैसे सिम्टम्स आपको मिलते हैं, उसको हम कहते हैं यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, क्योंकि जाहिर है वो यूरेमिया की वजह से हुआ है, आपके किडनी फेलियर की वजह से हुआ है। अगर पेशेंट को यूरेमिक एनकेफेलोपैथी डेवलप हो गई तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस। फिर अगर यूरेमिया की वजह से उसके हार्ट पे इफेक्ट हो गया, उसको यूरेमिक कार्डाइटिस हो गया, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस। ठीक है, यूरेमिक का मतलब यही है कि उसके जो किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उसने एक्सक्रीट करने थे वो ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से हार्ट पे ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है। देन ब्लड यूरिया अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा वैल्यू हो गया, कुछ जगह पर आपको 200 लिखी भी मिलेगी, बेहतर है आप रेंज लिखते हैं 180 से 200 से ज्यादा अगर हो जाता है ब्लड यूरिया, तो उसका मतलब है कि अब आपका विच इज रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट, विच इज रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ये हर चीज में लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहले आप हमेशा मेडिकल ही कोशिश करते हैं। क्रिएटिनिन अगर आपका 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया, कुछ एक जगह आपको लिखकर मिलेगा 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन मेरा ख्याल है 6.8 इज बेटर, क्योंकि 10 बहुत ज्यादा हो जाता है। और GFR इफ लेस देन 15 है तो आपको पता है कि ये तो बहुत थोड़ा होता है, यू हैव टू गो विद डायलिसिस। तो ये तो आपने बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने के व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। अच्छा, अब जरा से बात कर लेते हैं कि हीमोडायलिसिस में क्या होता है। आपको पता है कि इसमें एक तरफ से ये पेशेंट है, इसका हम इसमें बात करते हैं पेशेंट की एक जो बड़ी वेन होती है, कोई मेजर वेन होती है, उसमें हम कैनुला डालते हैं और उसका ब्लड बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक मशीन होती है विच इज कॉल्ड हीमोडायलिसर, उसमें एक ऑलरेडी डायलिसेट फ्लूइड जो होता है हमने वो रखा हुआ होता है। ठीक है, ब्लड यहाँ से गुजरता है, साथ जिस जगह से ब्लड गुजरता है वहां वहां साथ साथ डायलिसेट जो हमारा फ्लूइड होता है, डायलाइजेट जिसको हम कहते हैं, वो भी पड़ा हुआ होता है। उस डायलाइजेट में हमने सारी अच्छी वाली जो चीजें हैं जो इनकी पेशेंट को जरूरत है, यानी कि हमने अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीम है तो सोडियम और जो कुछ जरूरत है पेशेंट को वो डाला हुआ होता है, और जो कुछ हमने पेशेंट की बॉडी से निकालना है, यानी कि हमने उसकी बॉडी से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन यूरिक एसिड और बाकी वेस्ट को निकालना है, पोटेशियम को निकालना है, वो सब हमने डायलाइजेट में नहीं डाले हुए होते। तो आपको पता है कि एक चीज अगर यहाँ पर मेरे पास बहुत कंसेंट्रेशन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की क्रिएटिनिन की और ये मेरा ब्लड है, ठीक है, और ये मेरा डायलिसेट फ्लूइड चल रहा है इधर जिसमें ये सारी चीजें नहीं है, तो दो चीजें जब भी साथ साथ मूव करती हैं उनके दरमियान में एबिलिटी होती है कि वो एक से दूसरे में क्रॉस कर जाए, तो थिंग्स ऑलवेज मूव या सोल्यूट ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो ब्लड से ये सारी चीजें डिफ्यूज होकर चली जाती है डायलिसेट फ्लूइड में, और डायलिसेट फ्लूइड से अच्छी वाली जो भी हमारे पास चीजें होती है वो आ जाती है ब्लड में। इस तरह पूरी मशीन में ये सारा सारा ब्लड रोटेट करता हुआ जाता है जब तक वो एंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब उसे सब कुछ निकल जाएगा तो फिर वो आपके पेशेंट की उधर से ही जहां से हमने निकाला तो वहां पर डबल ल्यूमेन होता है, उस दूसरे ल्यूमेन में से वो उसके अंदर वापस चला जाता है पेशेंट के अंदर। तो ये हीमोडायलिसिस होता है। एक्यूट किडनी इंजरी में जब हमें करना पड़ता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि वो हमें पता होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने करना है, तो या तो हम उसकी इंटरनल जगलर वेन में डाल लेते हैं कैथेटर, क्योंकि कोई बड़ी वेन आपको चाहिए होती है इंटरनल जगलर वेन में, या फिर हम उसकी फेमरल वेन में डाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज में करना होता है तो ये बात आपने याद रखनी, सीकेडी के पेशेंट को हमेशा हमारे जहन में ये रखना होता है कि इसको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चाहिए, तो हमने उसकी वेन्स को प्रिजर्व करना है, क्योंकि अगर हमारे पास बाद में वेन ही ना रही तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको कोशिश आप ये करते हैं, सबसे पहली बात तो क्योंकि बाजू में से करना सबसे कॉमन है और सबसे आसान है, तो आप क्या करते हैं, आप एवी फिस्चुला बनाते हैं, आर्टीरियो वीनस फिस्चुला। एवी फिस्चुला का मतलब यह है कि पहले आप वैस्कुलर सर्जन को बुलाएंगे और एवी फिस्चुला बनवाएंगे। उसकी जरूरत इस वजह से होती है क्योंकि जो वेन्स हैं, आपको पता है कि बड़ी वेन्स हमें चाहिए, और वेन्स का जो नॉर्मल वो है वॉल है वो बहुत थिन है। ठीक है, आर्टरीज की अपनी जो वॉल होती है वो काफी थिक होती है, आपको पता है, लेकिन वेन्स की वॉल थोड़ी थिन होती है। अब सीकेडी के पेशेंट्स में बार बार हमने पेशेंट को डायलिसिस करना है, हीमोडायलिसिस इन पेशेंट्स को कम से कम 3 दफा हफ्ते में चाहिए होता है, फॉर 3 to 5 आवर्स, ज्यादा भी जरूरत हो सकती है। अब बार बार डायलिसिस जब हमने डायलिसिस कर ले तो बार बार उनकी वेन प्रिक होगी, ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला सिलसिला है। 4 दफा भी आप एक वेन को प्रिक करें तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा प्रोसेस करें जिससे वेन की वॉल थोड़ी थिक हो जाए, ताकि हम बार बार जब उसमें एक ही जगह पर कैथेटर डालें तो वो वेन खराब ना हो जल्दी। उसके लिए हम ये तरीका करते हैं कि हम लेते हैं बाजू में एक बड़ी वेन और बड़ी आर्टरी,
और उन दोनों को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसका हमें फायदा ये होता है कि जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ना, फौरन हम उसमें कुछ भी नहीं डालते होते, आर्टरी से अब ब्लड डायरेक्टली वेन में आ रहा है, ठीक है। पहले ब्लड आर्टरी से आर्टेरियोज और कैपिलरीज में जाता था, वो सब हमने निकाल दिया सिलसिला। आर्टरी से जब ब्लड डायरेक्ट वेन में आता है ना, तो बहुत हाई प्रेशर ब्लड होता है। वेन्स को नॉर्मली इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती। जब बहुत हाई प्रेशर ब्लड वेन्स में आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको बर्दाश्त करने के लिए वॉल थिकनिंग होने लग जाती है वेन की, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रोसेस को आर्टीरियलाइजेशन ऑफ वेन्स। आर्टीरियलाइजेशन, आर्टीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि वेन्स उस तरह थिक हो रही है जिस तरह आर्टरीज की वॉल थिक है। और क्यों थिक हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोसेस होता है ये कि जो हाई प्रेशर ब्लड उनके अंदर आ रहा है उसको बर्दाश्त करने के लिए वो थिक हो जाती हैं। तो तकरीबन एक एवी फिस्टुला बनाने के 4 to 6 weeks के बाद हम देखते हैं तो वो वेन काफी हद तक इस काबिल हो चुकी होती है कि वो थिक हो चुकी होती है और हम उसमें कैथेटर डाल सके। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ महीनों बाद ही उसको डायरेक्ट कैथेटराइज करना स्टार्ट करें, लेकिन 4 to 6 weeks बाद वो जो है काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर वो एवी फिस्टुला जो है हम उसमें उस वेन को बार बार हीमोडायलिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सीकेडी में करना होता है, ये आपसे एमसीक्यू और वाइवा में पूछते होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और वाइवा का क्वेश्चन होता है कि हम क्यों सबक्लेवियन वेन्स को प्रिजर्व करते हैं और डायरेक्ट उनमें ही नहीं डाल लेते। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को कम से कम हम ट्रॉमा दें और बेहतर से बेहतर उसके लिए आसानी कर सकें। जो सबक्लेवियन वेन है या इंटरनल जगुलर वेन्स है, ये वेन्स है आपकी बड़ी वेन्स तो है लेकिन हार्ट के करीब है और डीप है। हमें इनको इन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। आपने कभी अगर सेंट्रल वीनस लाइन पास करते हुए देखा हो तो बड़ी देर लग जाती है अक्सर पास करते हुए, क्योंकि इंटरनल जगुलर या सबक्लेवियन वेन्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसकी वजह जो हमारी ये आर्म में बाजू में वेन्स है बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम सबक्लेवियन वेन्स जो है उनको प्रिजर्व करें। सबक्लेवियन वो है जो दोनों तरफ आर्म्स की तरफ सारा ब्लड हार्ट से लेके आती है। सबक्लेवियन वेन्स अगर प्रिजर्व रहेंगी तो ब्लड जो बाजुओं की तरफ आ रहा है वो आता रहेगा, और बाजुओं की तरफ जब आता रहेगा तो बाजुओं में क्योंकि हमने नए फिस्टुलास बनाने तो वो हम आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू प्रिजर्व द वेन्स। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में यही होता है कि 3 to 5 आवर्स के लिए दिन हफ्ते में 3 दफा आप करते हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल में घर में भी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट का हम देखते हैं कि फिर यूरिया कितना क्लियर हो रहा है, डायलिसिस के बाद 65% जो यूरिया है वो ब्लड से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं क्लियर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि आप थेरेपी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर आपको थेरेपी की नीड ज्यादा करनी पड़ेगी। आप हफ्ते में 5 to 7 times कर लें उसे, ठीक है। तो यूरिया को लाजमी देखना होता है इस सिलसिले में कि यूरिया कितना क्लियर हो रहा है, 65% होना चाहिए। अच्छा, ये तो गया हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। उसके बाद आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अभी मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की भी बात करती हूँ, दोनों की एक साथ ही करूंगी। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपने सुना हुआ नाम, किसमें हम क्या करते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी में एक फ्लूइड डाल देते हैं पेशेंट की, और वो जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पड़ा रहता है तो जो पेरिटोनियम आपकी लेयर है उसको आपको पता है बहुत सारी कैपिलरीज उसमें प्रेजेंट होती है। तो पेरिटोनियम की जितनी भी कैपिलरीज है उनमें जो ब्लड होगा, उन ब्लड में सारे वेस्ट तो होंगे, वो सारे वेस्ट वहां से उनकी कैपिलरीज से डिफ्यूज होके उस फ्लूइड में आ जाएंगे जो आपने उसकी पेरिटोनियल कैविटी में डाले। और जब डिफ्यूज होकर सारा का सारा वेस्ट फ्लूइड में आ जाएगा तो वो फ्लूइड बाद में हम निकाल लेते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। कुछ देर के लिए, दिन में 4 दफा आप ऐसा करते हैं, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आप पेशेंट के अंदर डाल देते हैं और फिर वो फ्लूइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिन में 4 दफा ये करना पड़ता है और उस दौरान पेशेंट को लेटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी डेली एक्टिविटीज उसी तरह परफॉर्म करता रहता है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेशेंट को और कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि पेरिटोनाइटिस होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, या फिर थिकनिंग ऑफ द पेरिटोनियल वेसल्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का कि आप नाइट टाइम में पेशेंट के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड डाल दें और उसके बाद सारी रात वो पड़ा रहे और सुबह आप उसको निकाल लें जब वो सारा कुछ निकल जाएगा। अब आप देखने में तो ये लग रहा है कि पेरिटोनियल डायलिसिस ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है और ये उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हीमोडायलिसिस एफिशिएंट है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है हीमोडायलिसिस की निस्बत, और इसमें प्रॉब्लम पेरिटोनाइटिस का बहुत ज्यादा होता है। पेरिटोनाइटिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पेशेंट की अगर पूरी पेरिटोनियम इन्फ्लेम हो जाए, सीवियर पेन है और फीवर है और बहुत सारे मसले हैं। उसके साथ ये वेसल्स की जब स्क्लेरोसिंग हो जाती है, पेरिटोनियल वेसल्स हार्ड हो जाती है, उसके बाद ये प्रोसेस करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहता। तो ये इसकी बड़ी दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, पेरिटोनाइटिस एंड स्क्लेरोसिंग। तो इस वजह से ये उतना ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते, ज्यादा प्रेफर्ड हीमोडायलिसिस होता है। अच्छा, उसके बाद एक और जो प्रोसेस है वो है कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या हो सकती है जी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो ड्यूरिंग थेरेपी होती है। सबसे पहले डायलिसिस की ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ड्यूरिंग थेरेपी पेशेंट को हाइपोवोलीमिया, अचानक से हाइपोटेंशन डेवलप हो जाए, उसका मतलब ये कि उसका ब्लड बॉडी से निकला है। ज़ाहिर है हीमोडायलिसिस में खासतौर पर होता है कि हाइपोटेंशन हो जाती है क्योंकि ब्लड बॉडी से निकलता है तो एकदम से उसको हाइपोटेंशन की फीलिंग आती है। तो आपने क्या करना होता है कि उसको फ्लूइड इन्फ्यूज करने होते हैं और देखना होता है कि उसका हार्ट की एक्टिविटी ठीक है या नहीं। दूसरी चीज हो सकती है पेशेंट को कार्डिक एरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिखे हैं अपने पास, ये लिखी हुई है, हाइपोवोलीमिया हो गया, ठीक है।
उसके बाद उसको एरिथमिया हो सकते हैं। तो एरिथमिया के लिए आपने उसके पोटेशियम का लेवल चेक करना होता है क्योंकि वो ज्यादा कम या बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, और एबीजीज को रिव्यू करना होता है। अगर पेशेंट को हेमरेज स्टार्ट हो जाए ड्यूरिंग डायलिसिस तो आपने फौरन डायलिसिस स्टॉप करके कोई ऐसी थेरेपी देनी होती है जो कि हेपरिन फ्री हो। अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाए यानी एयर उसके अंदर एंटर हो जाए, इसका मतलब है आपका टेक्निक फॉल्टी थी और आपने फौरन डायलिसिस स्टॉप करना है और दोबारा से रिकंटिन्यू करना है। और अगर पेशेंट को जो डायलाइजर फ्लूइड था उससे हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, क्योंकि ब्लड उसके डायलाइजर फ्लूइड से गुजर के ही आगे आएगा ना, तो डायलाइजर फ्लूइड से हाइपर सेंसिटिविटी, तो भी फौरन आपने स्टॉप करना है डायलिसिस को, डायलाइजर फ्लूइड की जो भी कॉम्पोजिशन है उसको चेंज कर लेना है। तो ये पांच है जो कि ड्यूरिंग हो सकती है। और आफ्टर डायलिसिस जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें सबसे कॉमनली होता है पल्मोनरी एडिमा, जो तब होता है अगर आपने ज्यादा फ्लूइड वापस भेज दिए या फिर आपने फ्लूइड थोड़ा सा निकालना था और आपने नहीं निकाला ब्लड से, तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और उसमें आपने ही करना होता है कि आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या हीमोफिल्ट्रेशन कर लेते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होती है। और अगली चीज होती है सेप्सिस, जो कि डेफिनेटली हो सकता है अगर आपकी टेक्निक में आपने स्टीराइल मेजर्स नहीं अप्लाई किए थे। बाकी तीन अगले पार्ट में कर लेते हैं, किसी को मसला भी करना। थैंक यू।